एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। सो आज मैं आई हूँ शॉपिंग करने के लिए। मेरा दिल है कि मैं अपने लिए घर में पहनने के लिए कुछ कपड़े बनाऊँ, तो रमदान भी आ रही है तो इसलिए मैं और भी चाहती हूँ। सो जैसे मैं एंटर की तो मेरी जो नज़र थी वो वाइट वाले कपड़े में पड़ी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो नेट की थी, अगर वो जॉर्जेट या शिफॉन में होती तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती। सो उसमें दो कलर थे, एक वाइट में थे और एक ब्लैक में थे, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। डिज़ाइन भी अच्छे थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। सो खैर, ये शॉप बहुत बड़ी है, मैं सोची कि पहले मैं पूरा घूम लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ। ये जॉर्जेट में मिल रही थी और प्लेन में था, बस कुछ बूंदी बूंदी सा डिज़ाइन था। और यहाँ पर ये भी जॉर्जेट में ही थी, प्रिंटेड जॉर्जेट, तो ये सब डिज़ाइन मैं ऑलरेडी पहन चुकी थी। और यहाँ जो शॉप्स है, ऑब्वियसली यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से कपड़े होते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर सिल्क या उस टाइप के कपड़े होते हैं। सो एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक पिंक पीच, यहाँ सारे के सारे कपड़े रेशमी थे। यहाँ के कपड़े के डिज़ाइन आज से ठीक 10 से 15 साल पहले मैं देखी थी, पर मुझे अब फिर से वही डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिल रही। आई वॉज शॉक्ड, मतलब पुराने पुराने प्रिंटेड ही रखे हुए थे, कुछ नया ऐसा कुछ नहीं लगा कि हाँ बस पसंद आ गया देख के मैं ले लूँ। बहुत ही पुराने एंड ओल्ड फैशन डिज़ाइन थे यहाँ पर। यहाँ पर सारे जो पुराने डिज़ाइन थे, जैसे एक्चुअली हमारे नानी या दादी के संदूकों से निकाला करते थे, बिल्कुल ही वैसे डिज़ाइन है। तो आज से मैंने बहुत साल पहले ये नेट को देखी थी, अब जाके मुझे दोबारा ये नेट को देखने मिलेगी ये शॉप में, तो मुझे तो ऑब्वियसली मैं शॉक तो होंगी ही ना। तो ये है, मैं जो कलर लेने आई थी पिंक या पीच, वो मुझे तो कलर नहीं मिली, तो अचानक से मेरे नज़र पड़ी है नेट पे, तो मैं सोची चलो मैं नेट ही ले लेती हूँ, पर जो कलर मुझे चाहिए था तो वो नहीं था। ऑल ओवर जो शॉप है उस पर पुरानी स्टॉक ज़्यादा थी। यहाँ की जो औरतें होती हैं ना, सऊदी औरतें, तो ये सारे कपड़े के वो लोग घर पे जो है प्रिंट, मतलब गाउन या फिर मैक्सी बना के ये पहनती है। तो ये है, तो ऑल ओवर जो ये शॉप है अच्छा है, सही है, बट जो मेरी टाइप है वो मुझे यहाँ पर नहीं मिली। सो यहाँ पर रमदान की भी प्रिंटेड आई हुई थी, बहुत सारे प्रिंटेड थी, आप उसका कुछ भी बनाए, जैसे आपको ये कुशन बना दे, उसका टेबल क्लॉथ बनाए, कुछ भी आप बनाए, तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो बस मैं वही देख रही हूँ।
ये सेक्शन जो है यहाँ सिर्फ शिमर वाली सेक्शन थी, सिर्फ शिमरी शिमरी कपड़े मिल रहे थे। तो ये सारे कपड़े सऊदी में जो औरतें पहनती हैं शादी वगैरह में, पार्टी वगैरह में, ये वाली कपड़े यूज़ होती है। तो डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा था पर मुझे ये वाली बहुत पसंद आई। तो उसमें कॉन्ट्रास्ट में था सिल्वर एंड पिंक, तो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। तो जब बोलते हैं ना फर्स्ट, मतलब पहली नज़र में जो पसंद आ जाता है, तो ये वही था जो मुझे पहली नज़र में पसंद आ गया था। फिर भी मैं बाकी भी और डिज़ाइन में देख रही थी कि मुझे कुछ और तो पसंद नहीं आ जाए। तो मैं देख रही थी काफ़ी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन थे, शिमर 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 भरा हुआ था। तो मैं सोची कि जो मैंने पहले पसंद किया था मैं वो ले लेती हूँ। उसमें जो ये मैं एक ही मीटर ली, मैं सोची कि इकरा के लिए ले लेती हूँ, उसके लिए मैं देख लूँ क्या बनाना क्या नहीं बनाना। और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड जो है मेरे लिए कपड़े पसंद करने लग गए, क्योंकि मैंने बहुत यहाँ पर टाइम पास किया। मेरे हस्बैंड जैसे पागल ही हो गए थे कि यार तुम क्या कर रही हो, क्योंकि कपड़े इतने थे और डिज़ाइन भी थे, समझ ही नहीं आ रहे थे। तो अब जाके एट लास्ट मेरे हस्बैंड थक थक के वो मेरे लिए पसंद किए कि ये ले लो। तो मैं बोली कि चलो नखरा नहीं दिखाते, मैं भी उनके पसंद का पहन लूँगी, वो भी खुश हो जाएंगे। तो ये वाले जो कपड़े देख रहे, ये जो मेरे हस्बैंड ने वो मेरे लिए पसंद किया, तो मैं भी ले ली अपने लिए 2 मीटर। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। और हाँ, ये सारे जो मैंने क्या लिया है मैं आपको अगले वाले व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अब मैं जाऊंगी घर में दिखाऊंगी, क्योंकि नहीं होता है, मैं आराम से नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा देती हूँ। चलो बाय, सी।